नमस्ते फ्रेंड, आज मैं बेबी फ्रॉक सिखा रही हूँ। बहुत ही इजी है, तो ये छोटा सा है तो फिर भी मैं इसी का मेज़रमेंट बता रही हूँ। आप इसी को बड़ा बना सकते हैं, उसका भी मेज़रमेंट मैं दे दूँगी कि इसका बिग साइज़ बनाने के लिए आपको कितनी मेज़रमेंट लेना होगा। तो मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए, इसके लिए मैं जो क्लॉथ्स ली हूँ उसका है एक 6 इंचेस लेंथ और ब्रेथ है। तो ऐसे दो कपड़े लेने हैं सेम जो फ्रॉक के दोनों तरफ का चून बनेंगे, और एक लेना है कपड़े जिसका 1 इंचेस ब्रेथ और लेंथ है 8 इंचेस। तो उसको दो, उसका भी दो क्लॉथ्स लेना है। तो अब मैं जो क्लॉथ्स पहले ली हूँ फ्रॉक के चून के लिए, उसको डबल फोल्ड कर दे रही हूँ दोनों को एक साथ, क्योंकि उसका कोना में कटिंग करेंगे। तो कोना में ट्रायंगल कटिंग करेंगे 1 इंचेस जस्ट कोना में। ये फ्रॉक मैं अपने कान्हा जी के लिए बना सक रही हूँ, तो आप कोई भी किसी को भी लिए बना सकते हैं। तो ये ट्रायंगल में 1 इंचेस कटिंग कर दी हूँ। 3 नंबर कान्हा जी के ये गर्मी के लिए मैं बना रही हूँ छोटा सा, जो गर्मी में काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई फिलहाल कान्हा जी के लिए ही बनाना है। तो कटिंग कर ली हूँ, अब इसको सीधा करके दिखा रही दोनों तरफ। अब दोनों तरफ में हेम सिलाई करूँगी जहाँ ट्रायंगल कटिंग की हूँ। तो इसको हेम सिलाई कर लेना है वो कॉर्नर में, दोनों कॉर्नर में, ये पहला कपड़ा भी दूसरा कपड़ा भी पीछे जो रहेगा। तो इसको हेम सिलाई कर लूँगी, आप भी हेम सिलाई कीजिएगा। उसके बाद आगे क्या कर रही हूँ अभी बता रही हूँ बारी बारी से। बहुत ही इजी है, 5 मिनट में बन जाते हैं। मैं हाथ से बना रही हूँ, आप मशीन से बनाइएगा तो अच्छे रहेंगे। हाथ से भी अच्छे बनते हैं, लेकिन बड़े साइज का बनाने के लिए आपको मशीन, कोई भी बिग अपने बेबी के लिए या कोई भी कान्हा जी के लिए भी मशीन से ही अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल मशीन नहीं है तो मैं इसे हाथ से कर रही हूँ। तो वो कॉर्नर सिलाई करने के बाद अब फोल्ड कर दी हूँ। फोल्ड करेंगे उसको इस तरह ताकि उसमें एक धागा या पट्टी डाल सके जो बेबी फ्रॉक के चून के लिए। तो ये भी दूसरा साइड का भी कॉर्नर का हेम सिलाई करके वो उसी तरह ऊपर में फोल्ड करके सिलाई करना है। तो ये हो गया, अब इसका भी उसी तरह करेंगे। देखिए, अब इसकी में भी इस तरह ऊपर तरफ जस्ट 1/2 इंच, उससे भी थोड़ा कम लेके सी देना है हेम सिलाई। अब मशीन से करेंगे तो बहुत अच्छे होंगे। तो फिर मैं हेम सिलाई कर रही हूँ, आगे का भी पीछे का भी फ्रॉक के लिए। देखिए, हेम सिलाई हो जाएगा, धीरे धीरे कीजिएगा। मैं रफ़ करके फिर छोटा छोटा करूँगी, पहले रफ़ करके इसको फिनिशिंग करना है। अब दोनों को जॉइन करके साइड से सिलाई कर देना है। देखिए, दोनों को जॉइन करके इस साइड से सिलाई कर दे रही हूँ। डबल सिलाई कीजिएगा ताकि मजबूती हो सके। इसी तरह मैं दोनों साइड को फ्रॉक का आगे और पीछे दोनों के एक साथ जॉइन कर दे रही हूँ। देखिए इस तरह, और दूसरी तरफ भी इसी तरह करना है।
तो इस तरह, और डबल दो तीन सिलाई कर लेना ताकि मजबूती आ सके, खुल जाएगा। हाथ का सिलाई है, मशीन से भी दो सिलाई करना चाहिए नहीं तो खुल जाएंगे, ज़्यादा मजबूती नहीं होगा। मशीन से अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो बड़े साइज के बनाने के लिए मशीन ज़रूरी है, हाथ से नहीं होंगे। तो फिर मैं जो पट्टी ली थी 1 इंचेस और लेंथ 8 इंचेस, तो उसका साइड से जॉइन करके इसका एक पट्टी बनाऊंगी। तो इस तरह इसको छोटा करके हेम सिलाई करके पट्टी बनाऊंगी। ये इसका एक रस्सी भी बोल सकते हैं। तो जो चुन बनेंगे या हाथ को, जो बेबी फ्रॉक का हाथ भी बनेंगे, छोटा जो बेबी फ्रॉक होता है, जो पतला सा एक स्लीव्स, हाफ स्लीव्स बनाने के लिए ये पट्टी है। तो ये स्लीवलेस फ्रॉक बना रही हूँ, और बहुत ही खुले खुले गर्मी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है ये फ्रॉक। आप भी घर में ट्राई करके देख सकते हैं, बच्चों के लिए भी अपने बना सकते हैं। इसका मेज़रमेंट करके आप कोई भी फ्रॉक से, जैसे आपका फ्रॉक है उससे मेज़रमेंट करके बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं मेज़रमेंट करके बता दूंगी, तो वो कितने नंबर का लिए क्या क्या साइज लगेंगे। फ़िलहाल मैं बड़े एक फ्रॉक बनाऊंगी तो तब बताऊंगी, क्योंकि अंदाज में कोई चीज़ बताना सही नहीं है। बड़े एक फ्रॉक बनाऊंगी किसी के लिए, तब मैं बताऊंगी। अब इसमें मैं वो जो पट्टी बनाई हूँ, अब ये फ्रॉक का सामने और पीछे दोनों तरफ डालूंगी। दोनों तरफ डाल दिए, सामने भी डाल दिए, पीछे भी डालना है। इस तरह दोनों तरफ डालने के बाद इसको चुन भी हो जाएगा और बेबी फ्रॉक का स्लीव्स, हाफ स्लीव्स भी बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगी बाद में फिनिशिंग करके। तो फिर देखिए, दोनों चुन लगा दिए। अब इसका नीचे में वाइट कलर का चुन लगाऊंगी। पहले साइड सिलाई कर लेती हूँ, उसके बाद अच्छा से साइड सिलाई पहले की थी, लेकिन उसका और मजबूती से इसको फिर से खोल के मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, साइड सिलाई कर रही हूँ, उस मजबूती से करना है। सारे सिलाई दिखाना संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, इसीलिए फटाफट करके मैं दिखा दे रही हूँ। तो अब एक साइड हो गया, अब दूसरे साइड भी इसी तरह सिलाई कर लेना है, मजबूती से दो तीन सिलाई डालना है। तो देखिए, दो तीन सिलाई डालने के बाद अब हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, और इसको ऐसे आप मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर एक सादा ये लगाऊंगी चून। ये देखिए, एक वाइट कलर का कपड़ा ली हूँ, जिसका मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये भी है 1 इंचेस ब्रेथ, और लेंथ आपके चून जितना है, लेंथ थोड़ा 16 इंचेस या 18 इंचेस होगा, क्योंकि चून जितना होगा अच्छा लगेगा, इसीलिए थोड़ा लेंथ ज़्यादा ही लीजिएगा। तो मैंने ली हूँ 22 इंचेस लेंथ, ताकि चून अच्छा पड़े, क्योंकि इसको चून भी तो करना है, पूरा फ्रॉक को चारों तरफ से होंगे। तो इस तरह चून पहले सिलाई कर ली हूँ, हेम सिलाई नीचे और ऊपर में सिलाई करके टान के इसको चून बनाना है। तो पहले मैं दिखा चुकी हूँ चून बनाने का कैसे प्रोसेस, तो फिर देखिए इसको जॉइन करूँगी रेड कपड़ा के, रेड जो फ्रॉक बनी है उसके नीचे तरफ। तो इसको जॉइन कर रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड, कितना इजी है, आसान भी है, और फटाफट बना सकते हैं। तो मेरा जॉइन करना हो गया चारों तरफ, अब मैं दिखा रही हूँ फ्रॉक कैसे बना। तो देखिए, इस तरफ फ्रॉक बन गए। अब इसका ये बांधना है ऊपर तरफ, ये देखिए, ऐसे करके ऊपर में जो बांधेंगे वही हाफ स्लीव्स होगा, वही हाथ में ऊपर बांधना है, जो हाथ के ऊपर बांधेंगे इस तरह पहनना है। बहुत गर्मी के लिए कंफर्टेबल फ्रॉक है, बहुत सुंदर और बहुत आसानी से बन भी जाता है।
अब भी बना के देखिएगा कितने अच्छे होते हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत फ्रॉक बन गए। तो मेरा ये दूसरा है, इसमें मैं चून नहीं लगाई हूँ, वाइट कलर का जो क्रीम कलर का है, लाइट पिंक बोले या क्रीम बोले, उसका भी मैं नीचे चून नहीं लगाई हूँ वो उसका। थैंक यू फ्रेंड, मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।